ये कब बना है? हाँ तो हाँ अभी ये दूसरा साल चालू हो गया इसको। अच्छा, ये आरिफ भाई की मेहरबानी है। क्या कहना चाहेंगे आप ये नई स्कूल के बारे में? ये नई स्कूल, ये जो स्ट्रक्चर है, ये हमारे लिए एक फख्र की बात है। किस तरीके से और किस ढंग से स्कूल बनी है, कितने अच्छे तरीके से पूरा काम हुआ है और उसकी स्कूल की लाइफ भी बहुत ज़्यादा है। उसमें जरा भी काम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, क्योंकि पूरे काम की मैंने जिम्मेदारी के साथ वहाँ खड़े रह के पूरे काम को अंजाम दिया है। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। निशा मोटर्स, एक्सक्लूसिव डीलर्स फॉर कार एंड कमर्शियल व्हीकल्स। जहां आपको एसयूवी, सेडान, लग्जरी कार से लेकर ट्रक, टेम्पो, पिकअप तक सभी तरह के फोर व्हीलर्स मिलेंगे। On easy finance, immediate approval, low rate of interest. You can also exchange your old car with a brand new vehicle. Only at Nisha Motors, at Balaji Darshan Building, Shop Number 1, next to Jain Mandir, opposite Torrent Power, Anjur Fatak, Bhiwandi. हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम आए भिवंडी के कचरीपाड़ा कोंडाजीवाड़ी, जो है यहाँ पे कचरीवाड़ा आईजीएम हॉस्पिटल के पीछे। यहाँ पे एक कॉरपोरेशन की स्कूल है, 70 नंबर स्कूल, और 70 नंबर स्कूल के ठीक सामने एक नया स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। ये नया स्ट्रक्चर, जिस तरह से हमें पता चला है कि यहाँ के जो कॉरपोरेटर है, स्थानीय कॉरपोरेटर आरिफ खान, तो उनके मेहनत, उनके अथक प्रयासों से जो है ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये हाई स्कूल के लिए बनाया गया है। जिस तरह से हमने देखा है कि कहीं पर भी कॉरपोरेशन के अंदर जो है हाई स्कूल सेपरेट नहीं होते, तो यहाँ पे उन्होंने एक सेपरेट स्ट्रक्चर खड़ा किया है हाई स्कूल के लिए। और दूसरी बात, जो पुरानी बिल्डिंग है, जो यहाँ पे जो पुरानी बिल्डिंग है, तो इसके लिए भी जो है यहाँ पे रिपेयरिंग का फंड सेंक्शन हुआ है। अगर आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी भी जो हालत काफ़ी खस्ता हुई है, ये देखिए, ये जो खिड़की वगैरह, जो दीवारें हैं, और काफ़ी खस्ता हालत हुई है इसकी, तो इसके लिए भी जो है अभी एक नया फंड सेंक्शन हुआ है, ये इसको भी रिपेयर किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर है, तो ये सबसे पहली बात कि ये दिव्यांगों के लिए जो है यहाँ पे मद्देनज़र रखते हुए ये हैंडीकैप फ्रेंडली बनाया गया है। देखिए, ये रैम्प बनाया है यहाँ पर, और रैम्प के साथ साथ में यहाँ पर जो क्लासरूम काफ़ी बड़े बड़े और वेंटिलेटेड क्लासरूम है। नए बेंचेस लाए गए हैं, मतलब पूरा स्ट्रक्चर नया है, तो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे नई हैं। और गरीब बच्चों को एजुकेशन मिले, इसके लिए अगर कोई सोचता है, तो सबसे बड़ी बात, उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। मैं आपको बता दूं कि ये म्यूनसिपल स्कूल है, फीस तो ना के बराबर फीस तो है ही नहीं यहाँ पे, और अगर क्वालिटी एजुकेशन साथ साथ में मिले इन सारी फैसिलिटी के साथ में, तो डेफिनेटली गरीब के बच्चे भी जो है अच्छे से अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पे जो यहाँ के कॉरपोरेटर है, तो उन्होंने ये चीज़ों को महसूस किया, और आज जो है आपके सामने ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है।
महानगर पालिका का फंड ना होने के बावजूद जो है यहाँ वहाँ से स्टेट का फंड लाकर और भी लोगों से जो है इन्होंने फंड को इकट्ठा किया और ये स्ट्रक्चर खड़ा किया है। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ के कुछ लोगों से बात करने की, हम कोशिश करेंगे आरिफ दादा से बात करने की और दिखाएंगे कि क्या सारा जो है ये मामला है, किस तरह से ये जो बिल्डिंग है ये कैसे जो है वजूद में आई और जो सामने हमारे जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है ये जो जर्जर इमारत है तो ये इसका काम जो है कब तक शुरू हो जाएगा, कितने की निधि से शुरू हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। कहाँ रहते हैं आप? यहाँ पर यहीं पे रहता हूँ, जो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी है मेरी। अच्छा। और टेंडर पे ड्यूटी है। अच्छा। और टेंडर रहा तो कर दिया, अब टेंडर तो जब पास होगा। ये कब बना है? हाँ तो हाँ अभी ये दूसरा साल चालू हो गया इसको। अच्छा। ये आरिफ भाई की मेहरबानी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ। तो ये आरिफ भाई अपने जेब से पैसा खर्चा करके भाग दौड़ करके बम्बई के मंत्रालय से ये काम अपने बल पे, मतलब ये भाग दौड़ करके आरिफ भाई ने ये काम करा है। अच्छा। हाँ तो ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा आरिफ भाई ने किए? हाँ आरिफ भाई। हाँ। भाग दौड़ करे सब। अच्छा। जो भी बिल्डर भी आते थे पूरा खर्चा पानी आरिफ भाई करते थे, चाय पानी से नाश्ता पानी सब कुछ, भाग दौड़ करना, फिर म्यूनसिपाल्टी महानगर पालिका में जाना और देख दौड़ करना जो कुछ काम अटक गया। ये आपको किसने बताया कि आरिफ भाई ने किया ये सारा काम? ये तो हम है ना, हम खुद है यहाँ पे ड्यूटी करते थे हम। अच्छा। हाँ आप भी इधर ही रहती हो? मैं भी यही रहती हूँ। हाँ। अच्छा। तो जैसा अभी हम लोग यहाँ पे सब देख रहे करते रहते हैं, बच्चों के लड़कियाँ हैं तो वो मैं संभालती हूँ, ध्यान देती हूँ बच्चों को। जब भी आरिफ भाई आते हैं तो हम लोग उनको बोलते हैं कि हमारा सब काम अच्छा है, ऐसा लफड़ा हो रहा है, कोई बात हो रही रात बिरात, कभी भी फ़ोन करो तुरंत भाग के आते आरिफ भाई। तो मेरे को एक बात बताओ कि ये जो एरिया है यहाँ पे हमने सुना कि काफ़ी गर्दुले वगैरह रहते हैं तो वो लोग रहते हैं? हाँ गर्दुले चरसुले रहते हैं, अंदर आते कंपाउंड में, इसीलिए तो झगड़े होते रहते हम लोग के साथ। मैं सामने ही रहती हूँ कि एक बार भी ऐसे हम लोग का यहाँ पे मर्डर होते होते बचा है, मगर आरिफ भाई तुरंत आ गए चाकू लेके हमारे को गर्दुले लोग मारना है कि ये लोग के साथ में ऐसा सा हो रहा, बिगड़ ड्यूटी के हम लोग यहाँ पे संभाल रहे तो भी वो लोग मारा मारी करने लगे, तो बोले ऐसी की बात ऐसी है तो आए हमारे लिए, फिर सब झगड़ा बिगड़ा हुआ जो भी हुआ समझा बुझी करके चले गए। क्या कहना चाहेंगे आप ये नई स्कूल के बारे में? ये नई स्कूल, ये जो स्ट्रक्चर है जी, ये हमारे लिए एक फख्र की बात है, इसलिए कि यहाँ से शांति नगर तक ये बहुत बड़ा पट्टा है ईस्ट में। हाँ। कोई भी हाई स्कूल एक सेपरेट नहीं है। हाँ। जितनी भी कॉरपोरेशन की स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है जी, उस स्कूल में हाई स्कूल का एग्जिस्ट करके चलाया जाता था। हाँ। रिपेयरिंग तो बहुत होती है, सड़कें गटर नालियाँ बनती है, बिगड़ते रहती है, लेकिन एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया, एजुकेशन के ऊपर जो उन्होंने ज़्यादा और संजीदगी से ध्यान दिया ये उनका एक आने वाले कल के लिए, मैं समझता हूँ कि उनकी नुमाइंदगी हमारे लिए बहुत बेहतर होगी। अभी इसी स्कूल की हालत देखिए आप, 70 नंबर की एकदम जर्जर हो चुकी है। आपने बहुत कोशिश किया म्यूनसिपल कमिश्नर और कॉरपोरेशन को लेके, और काफ़ी उन्होंने मेहनत करके इसके लिए करीब करीब मुझे लगता है कि 1 करोड़ रुपया इसकी रिपेयरिंग के लिए उन्होंने पास करवाया। अच्छा। बहुत जल्द इसका वर्क ऑर्डर आ जाएगा और इसका काम भी शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द आप इसको एक नए अंदाज में इस 70 नंबर स्कूल को देखेंगे। अरे भाई क्या कहेंगे, जिस तरह से 70 नंबर स्कूल में हमने नया स्ट्रक्चर देखा, नया काम देखा, तो जरा बताएंगे कि ये किस निधि के तहत हुआ है और कितना इसके अंदर टोटल कॉस्ट लगा है? ये जो मामला है स्कूल का, ये 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 5 स्कूल को आप लोगों को भिवंडी में मंजूरी मिली थी, जिसमें से उस वक्त खाली 1 स्कूल बनी थी, बाकी उस टाइम पे नगर सेवक हो या नगर पालिका हो किसी ने उस काम में ध्यान नहीं दिया, वो काम रिटर्न चला गया। जब मैं 17 में जीत के आया, थोड़ा 1-1.5 साल हुआ, मैंने मालूम लिया तो मुझे पता चला कि ऐसा हुआ मामला है स्कूल का, यहाँ प्रोजेक्ट आया था उस स्कूल के हेडमास्टर ने मुझे बताया, लेकिन वो काम हुआ नहीं, कैंसिल हो गया है। तो उसके बाद मैंने उसके लिए बम्बई मंत्रालय गया, वहाँ जाके मैंने मालूमात ली, वहाँ के एक जो IAS ऑफिसर थे विलास सोलंके साहब जी, मैंने जाके उनसे मिला, उनसे कहा पूरे, मैंने रिक्वेस्ट की कि वो जो काम कैंसिल हो गया है उसको आप उसको डबल से कर दो, ताकि बहुत गरीब बस्ती है और वहाँ पर बहुत गरीब, और हमारे वहाँ कोई हाई स्कूल है ही नहीं, भिवंडी शहर में बहुत ही कम हाई स्कूल है। तो उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने उस काम को फॉलो अप करना शुरू किया। देखो मैं 16 सितंबर 2018 को जाके मैंने उनसे मिला और इसका फॉलो अप कम से कम मुझे 4 से 6 महीना मंत्रालय दौड़ना पड़ा, बहुत मेहनत करना पड़ा उसके लिए। उसमें मामला ये हो गया था कि 2016 का DSR के रेट के हिसाब से उसका वर्क ऑर्डर बना था और मुझे जब मालूम पड़ा 18 में तो 2-3 साल हो चुका था,
और उसका रेट कम होने की वजह से बाद में वो काम कोई ले नहीं रहा था। तो उस वहाँ पे एक साले साहब करके है, उन्होंने मुझे एक ठेकेदार का नंबर दिया और कहा कि आरिफ भाई आप जाके इनसे मिलो, ये मुस्लिम ठेकेदार है, ये हो सकता है तुम्हारी खूब हेल्प करेंगे। तो फिर वो रहते हैं मीरा रोड में, मैं उनके पास गया ठेकेदार के पास, मैंने उनसे जाके बात किया, उनको बताया कि मुसलमानों की आबादी है, गरीब बस्ती है, हमारे वहाँ कोई हाई स्कूल है नहीं और नगर पालिका की हमारी हालत बहुत खराब रहती है, वो नवी स्कूल जो छोड़ो रिपेयरिंग करने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं रहता है। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ठेकेदार तैयार हुआ और मैंने उसको एकदम आश्वासन दिलाया कि तुम आओ बिंदास काम करो, तुम्हारे को कोई वहाँ पे हैरान नहीं करेगा, कोई नगर सेवक हो माइथी वाला हो किसी को तुमको एक रुपया देना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम 2016 के डिसा से काम करोगे। इसके लिए मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि तुमको वहाँ पे एक रुपया भी स्कूल को छोड़ के एक्स्ट्रा मैं खर्चा नहीं होने दूंगा। और उसका स्कूल का 1.5 करोड़ का बजट था, 1.5 करोड़ का फंड था, लेकिन वो कर नहीं रहा था क्योंकि वो बोल रहा था कि डीएसआर रेट पुराना है। तो बहुत समझाने के बाद, बोलने के बाद, मुसलमान का हवाला देने के बाद, ये सब गरीब का हवाला देने के बाद वो तैयार हुआ। उसके बाद फिर 8-9 महीना लग गया। 31 अगस्त को देखो ठेकेदार भी इसमें वो आया, हम लोगों ने स्कूल की ओपनिंग की, काम चालू किया और पूरा जब तक वहाँ काम हुआ मैं कंटिन्यू उसके संपर्क में था, कोई भी तकलीफ आती थी उसको मैं वहाँ जाके खड़ा हो जाता था। और वो पूरी स्कूल मैंने बनवा के ली, तुमने देखा होगा वहाँ तुम गए थे, किस तरीके से और किस ढंग से स्कूल बनी है, कितने अच्छे तरीके से पूरा काम हुआ है और उसकी स्कूल की लाइफ भी बहुत ज्यादा है, उसमें जरा भी काम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, क्योंकि पूरे काम की मैंने जिम्मेदारी के साथ वहाँ खड़े रह के पूरे काम को अंजाम दिया है। जब वो स्कूल बन के रेडी हो गई तो उसको चालू करने का मामला आया, तब ये मामला आया कि उसमें बेंच लगाना है, बोर्ड लगाना है, कुर्सी टेबल चाहिए, तो उसके लिए 12-15 लाख रुपए का पैसा चाहिए था। और उसके बाद यहाँ नगर पालिका में लॉकडाउन लगा हुआ था, नगर पालिका के पास पैसा था नहीं, मैं 3-4 महीना नगर पालिका में हैरान हुआ, तब भी उन्होंने कोई फंड का बंदोबस्त किया नहीं नगर पालिका ने स्कूल को चालू करने के लिए। तो फिर उसके बाद वापिस से मैं मंत्रालय गया 2021 फरवरी में, वहाँ साले साहब करके एक है, ये बहुत अच्छे आदमी है, मैंने इनसे मुलाकात की और इनको पूरे मामला बताए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है अभी तुम लोग उतना ही नगर पालिका उतना भी नहीं कर सकती, तो मैं कुछ ना कुछ करके करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो उसके बाद 2-3 महीने के बाद स्कूल में पैसा आया 15 लाख रुपया, तुमने जाके अभी देखा होगा कि वहाँ पे बेंच वगैरह, हाँ बेंच कुर्सी टेबल सब आ गया है, और इंशाल्लाह ये जून में जब स्कूल स्टार्ट होगी, थोड़ा सा काम एक और बचा है 4-5 लाख का, टाकी बनाना है, जाली लगाना, नगर पालिका से मैंने उसको भी मंजूर करा लिया है, वो काम भी 15-20 दिन में हो जाएगा। और जब ये जून में स्कूल चालू होगी हाई स्कूल, तो 8वीं 9वीं और 10वीं के पूरे टोटल बच्चे वहाँ बैठ के पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हाई स्कूल के नाम पे अपने पास एक भी स्ट्रक्चर नहीं है जगात नाके शांतिनगर तक, एक भी स्ट्रक्चर नहीं है अपने पास हाई स्कूल के नाम पे, प्राइमरी के नाम पे बहुत है 8वीं तक, लेकिन हाई स्कूल के नाम पे एक भी नहीं है अपने पास, ये पहली स्कूल है। तो ये स्पेशल हाई स्कूल ही रहेगी, ये हाई स्कूल ही रहेगी, जो महानगर पालिका की जो दूसरी स्कूल की जो प्राइमरी नहीं प्राइमरी, हाँ वो यहाँ पे 8वीं 9वीं 8वीं में एडमिशन लेंगे, जो 8वीं तक पढ़ के आएंगे वो यहाँ पे 9वीं में एडमिशन लेंगे। तो आरिफ भाई ये इसके साथ साथ में हमने देखा है कि एक सामने की जो स्कूल है, हाँ 70 और 85 तो वो प्राइमरी स्कूल है, तो उसका भी वहाँ पे बता रहे थे कि उसका भी जो है रिपेयरिंग का वर्क, हाँ उसके भी हालात बहुत खराब थे, तो वहाँ के हेड मास्टर ने और वहाँ के जो टीचर्स वगैरह मुझे मिले, उन्होंने कहा कि देखो स्कूल के हालात इतना खराब है आरिफ भाई कुछ करो, नहीं तो अगर स्कूल एक बार जब बंद हो जाएगी तो फिर चालू नहीं होगी, क्योंकि 3 साल से 62 नंबर स्कूल गैबी नगर में बंद पड़ी हुई, उसका काम नहीं हो रहा है। तो फिर उसके लिए मैंने दौड़ भाग चालू करी नगर पालिका में बोल के, मैंने उसका स्ट्रक्चर ऑडिट करवाया, स्ट्रक्चर ऑडिट करने के बाद उसमें ये मामला आया कि वो स्कूल में 80 से 90 लाख रुपया खर्चा करेंगे तब वो जाके स्कूल चलने लायक और अच्छी तरीके से बनेगी। तो फिर मैंने कमिश्नर से मिला, उनसे बात की, 2-4 महीना उसमें लग गया, लेकिन माशाल्लाह वो स्कूल का जो था फंड सेंक्शन हो गया, उसका टेंडर कॉल भी हो चुका है और अभी जैसे ये अप्रैल में नया बजट आया है, ये बजट में हम लोगों ने जो स्कूल के लिए थोड़ा पैसा बढ़ाया है, तो अभी 15-20 दिन में उसका वर्क ऑर्डर निकाल के उस स्कूल का ये काम चालू करवा दिया जाएगा और इंशाल्लाह जून जुलाई तक दोनों स्कूल, वो हाई स्कूल भी और ये प्राइमरी स्कूल भी अच्छी तरीके से चालू हो जाएगी। अच्छा एक पूछना चाहूंगा मैं यहाँ पे कि जिस तरह से आपने बताया कि नई बेंचेस वगैरह लाने के लिए महानगर पालिका ने अप्रूव नहीं किया, हाँ। और आप भी उसके लिए मंत्रालय गए, हाँ। तो मंत्रालय वाले ये नहीं देखते हैं कि महानगर पालिका इतनी कमजोर है तो आखिर किस वजह से, तो यहाँ पे इंक्वायरी वगैरह बिठाई एजुकेशन के हर बार, हाँ हर मामले में देखा जा रहा है कि महानगर पालिका कुछ भी पैसे एजुकेशन के मामले में जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रहती है बहुत सेफ रहती है,
और हमारे नगर पालिका के जो अधिकारी है जो यहाँ काम करते हैं या जो जिम्मेदार लोग हैं, हाँ। वो वहाँ तक जाते नहीं है। अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमको नगर पालिका से नहीं, वहीं से करोड़ों रुपए का फंड अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा। लेकिन वहाँ जाने कोई जाता नहीं है वहाँ पे। अभी ये काम, मेरे को भी इसकी इतनी मालूम नहीं थी स्कूल के मामले को लग के, लेकिन मेरे एक दोस्त है असलम जनाब करके, उनको इस लाइन में बहुत ज्यादा मालूम है और इस फील्ड में बहुत पुराने है वो, तो उन्होंने मेरे को ले, और मेरा एक दोस्त है फरीद अंसारी, यही वार्ड में रहते हैं, तो उन लोग दोनों ने और हम लोग तीन चार जन मिल के उसके लिए बहुत मेहनत की है। उसके लिए मैं असलम जनाब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि टोटल जहाँ भी लेके जाना था वही मेरे को लेके जाता था। अच्छा। और मेरे साथ में फरीद अंसारी और जकी जनाब, हम लोग चार पांच लोग उसके लिए कंटिन्यू 6 से 8 महीना दौड़े, तब जाके वो फंड सेंक्शन हुआ और स्कूल का काम चालू हुआ। तो उसमें असलम जनाब ने भी बहुत मेहनत करी है मेरे साथ में, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत। वार्ड में तो छोटा मोटा बहुत काम होते रहता है। एक सबसे बड़ा जो मामला ये था सागर प्लाजा रोड का मामला था, जो बारिश बाद बन जाना चाहिए था, लेकिन ईगल का कुछ पेमेंट का मामला था नगर पालिका को लग के, जिसकी वजह से लोग का विवाद चल रहा था और 4-5 महीना हो गया। उस रोड के लिए मैंने भी बहुत फॉलोअप लिया, बहुत मेहनत करी, लोग आश्वासन दे रहे थे कि हफ्ते भर में चालू होएगा, 1 महीने में चालू होएगा, 15 दिन में चालू होएगा, लेकिन माशाल्लाह आज वहाँ पे पत्थर गिर गया है रोड को। तुमको अभी फोटो भी दे देता हूँ, वहाँ पे पत्थर वगैरह गिर गया, कल से वहाँ पे काम स्टार्ट हो जाएगा और जल्द से जल्द सागर प्लाजा वाला रोड भी अपने को बन के मिल जाएगा। जितने भी नगर सेवक की निधि के जो काम है वो तात्पुरता जो बंद कर दी गए, तो उसके बाद में जो ये सारे काम चल रहे थे, ये नगर सेवक की निधि का काम नहीं है, ये जो एक्स्ट्रा काम होता है जैसे पानी का काम होता है, रोड का, रास्ते का, गटर का, ये सब बहुत से जनरल निधि रहती है। अच्छा। तो हम लोग उस जनरल निधि से भी काम करवा सकते हैं। नगर सेवक निधि क्या मिलती है, हम लोगों को 5 साल में नगर सेवक निधि 15 लाख रुपया मिली है। अच्छा। और काम मैंने कम से कम 2-3 करोड़ का 2 करोड़ का वार्ड में काम करवाया हूँ, तो उसके लिए जनरल फंड लाना पड़ता है, मंत्रालय जाना पड़ता है, मूलभूत का फंड लाना पड़ता है। नहीं, उसमें रोक नहीं लगी है, खाली नगर सेवक निधि का पैसा यूज नहीं कर सकते, और वैसे भी नगर सेवक निधि हम लोगों को 5 साल में कुछ मिली नहीं है, कोरोना आ गया, ये हो गया, 15 लाख रुपए नगर सेवक निधि मिली है, लेकिन हम लोगों ने जो काम किया है वो मूलभूत का पैसा लाया है, जनरल फंड होता है उससे काम किया है, और बहुत से फंड वगैरह फंड आते हैं, MLC फंड होता है, मंत्रालय जाके फंड लाना रहता है, जैसे स्कूल के लिए मैंने लाया, तो ये सब एक्स्ट्रा फंड रहता है।